Hello kids, Janmashtami festival is coming around and Janmashtami is a festival of Lord Krishna और Lord Krishna के पास हमेशा फ्लूट रहती थी तो चलो आज हम फ्लूट बनाना सीखते हैं। आज हम न्यूज़पेपर से फ्लूट बनाएंगे सो उसके लिए हम एक न्यूज़पेपर ले लेंगे, उसको कटिंग करने के लिए सीजर और उस पे कलर करने के लिए हम कलर यूज़ करेंगे, ब्रश एंड पानी ले लेंगे और पेस्टिंग करने के लिए फेविकॉल और फ्रूट बनाने के बाद उसको हम डेकोरेशन करेंगे और उसके लिए टॉय यूज़ कर सकते हैं और मिरर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टॉय और मिरर लिए हैं आज फ्रूट बनाने के लिए। पेपर का हम एक फुल एक पेज लेंगे, उसको हम मीडल से फोल्ड करेंगे और दूसरी बार फोल्ड करेंगे और उसको जो ये मीडल फोल्ड है वो मीडल फोल्ड से हम उसको सीजर की हेल्प से कट करेंगे। पेरेंट्स अगर किड्स को कट करना नहीं आता है तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं या तो आप उनको कट करके दे सकते हैं। यहाँ मिडल जो कट है वहाँ से हम मिडल जो फोल्ड है वहाँ से हमने पेपर न्यूज़पेपर कट किया। अभी एक ये वाला पार्ट है हम वो साइड में रख देंगे और ये वाला जो न्यूज़पेपर कट किया है उसको हम अपनी साइड पे रखेंगे। ये जो ओपन एंडेड पार्ट है वहाँ से हम रोल करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो क्लोज एंडेड पार्ट है वहाँ किड्स फेविकॉल पेस्ट करेंगे तो उनको पेस्ट करने में इजी होगा। फिर हम यहाँ पे टू साइड से न्यूज़पेपर को पकड़ेंगे और स्लोली स्लोली रोल करना स्टार्ट करेंगे। पेरेंट्स आपको यहाँ पे किड्स की हेल्प करनी है क्योंकि वो रोल करना अभी सीख रहे हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, आप मिडल में से उनको पकड़ के हेल्प कर सकते हैं। स्लोली स्लोली यू हैव टू रोल दिस न्यूज़पेपर, ऐसे रोल स्लोली स्लोली आप करते जाओगे तो एक स्टडी बेस बनता जाएगा। एंड लास्ट में यहाँ पे हमको एक फेविकॉल की हेल्प से पूरा रोल पेस्ट करना है। एजेस जो एज है वहां पे हम अच्छे से फेविकॉल लगाएंगे और उसको फिर से ऐसे रोल करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। फिर आपको 2-3 मिनट के लिए उसको ऐसे ही पकड़ के रखना है। जब ये पूरा सूख जाए उसके बाद इस पे हम कलर करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया है तो वो ब्राउन कलर में ब्रश डिप करके हम पूरा कलर करेंगे। जो दूसरा पेपर था वो मैंने नीचे रखा है जिससे हमारा फ्लोर गंदा ना हो। फिर अच्छे से किड्स को बताना है कि आपको कलरिंग करना है। पेरेंट्स अगर आपके पास वाटर कलर या तो फैब्रिक कलर कोई कलर नहीं है तो आप हल्दी को आप भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी नहीं है तो वो सिंदूर आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी डालो उसमें और ऐसे कलर की तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आपके पास कॉटन पड़ा होगा थोड़ा सा तो वो कॉटन को कलर में डिप करके आप उसको ऐसे ब्रश की तरह यूज़ कर सकते हो तो भी कलर हो सकता है। अभी ये अच्छी तरह से कलर होने के बाद उसको हम 10-15 मिनट के लिए सूखने के लिए साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो फ्रूट है वो कंप्लीट ड्राई हो चुका है। अब हम इसका डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम एक टॉय लेंगे, उसके
फ्रूट के जो एंड है वहां पे थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे और उसका तो ये जो तोई है उसका एंड पार्ट है वो पेस्ट करेंगे। फिर उसको स्लोली स्लोली रोल करते जाएंगे। पेरेंट्स, अगर आपके पास तोई नहीं है, रिबिन है, वो भी यूज कर सकते हो। कलर पेपर से आप स्ट्रिप्स कट करके वो भी यूज कर सकते हो। आप अपने आइडियाज इसमें यूज कर सकते हो और बच्चों को भी पूछ सकते हो कि उनको क्या करना है, उनके आइडिया के हिसाब से भी हम फ्रूट बना सकते हैं। यहाँ पे एक तोई लास्ट एंड तक मैंने पेस्ट कर ली है। फिर हम सीजर की हेल्प से उसको कट कर लेंगे और जो एंड पार्ट है वहाँ पे भी हम फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मिरर्स है वो मैं जो बीच में स्पेस है वहाँ पे पेस्ट करूँगी। पेरेंट्स, किड्स फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ऐसा कुछ क्राफ्ट वर्क, तो आप उनको हेल्प करना फेविकॉल लगाने में और उनको आप थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हो तो वो अच्छे से अपना क्राफ्ट वर्क फिनिश कर सके। और उनको ही करने देना है तो वो उनको लगे कि वाह मैंने फ्लूट बनाई है और वो खुशी खुशी सबको बता सके। ऐसे हम दोनों साइड में मिरर लगा देंगे। सो हमारा इतना डेकोरेशन पार्ट फिनिश हुआ। अभी जो कृष्ण थे उसकी जो फ्लूट होती है उसके यहाँ पे कुछ ऐसे लगा रहता है, तो मेरे पास यहाँ पे ऐसे लटकन पड़ा था तो वो मैंने यूज किया है। ये जो तोई है उसको ऐसे मिडल में से डाल दिया, तोई मिडल होल में, और उसको मैंने यहाँ पे एक नॉट बना कर दिया, नॉट लगा के उसको हैंग कर लिया। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम वो सीजर से कट कर देंगे। सो हमारी फ्लूट रेडी है। फिर यहाँ का जो पार्ट है वो मेरे पास एक ऐसे ही एक डेकोरेटिव मटेरियल पड़ा है तो वहाँ पे मैं फेविकॉल करके उसको पेस्ट कर दे रही हूँ। तो वैसे हमारा कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण का फ्लूट रेडी हो गया है। ये हमारा फ्लूट रेडी हो गया है। बट अगर आपके पास ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी है, जैसे कि इस फ्लूट में मैंने पेपर टेयरिंग करके डेकोरेशन किया है। आपके पास जो पेपर्स अवेलेबल है उसको बच्चों को बोलो कि टेयर कर ले और उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा एक है कि क्रेयॉन्स अवेलेबल है तो किड्स पेपर को रोल करके डिफरेंट डिफरेंट कलर से यहाँ पे क्रेयॉनिंग करेंगे तो वैसे भी फ्लूट बना सकते हैं। यहाँ पे दूसरा एक है उसमें मैंने मिरर पेस्ट किए हैं और पिंक कलर यूज किया है। और आपके पास अगर साटिन रिबिन अवेलेबल है वो यूज कर सकते हो, दूसरी कोई अलग तरीके की रिबिन है वो भी यूज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आप यूज कर सकते हो। आप अपना क्रिएटिविटी यूज करके अच्छा सा फ्लूट बनाइए और बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू।